पुलिस कोई रिकवरी एजेंसी नहीं। बचपन में खेलते होंगे चोर स्पाई, तो आप लाजमी स्पाई बनते होंगे। अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में पुलिस ऑर्गेनाइजेशन जितनी भी हैं, उनका और आवाम का आपस में लव हेट रिलेशनशिप ही है कि जिसमें तो वो अच्छा कर दे वो कहते वी लव यू, और जो उनकी मर्जी के खिलाफ हो जाए तो दे हेट अस। उसकी रीज़न ये है कि रोड के ऊपर हमने गाड़ी को रोकना है, इनकन्वीनियंस, गाड़ी बंद करनी है, इनकन्वीनियंस, बंदे को रोकना है, हवालात बंद करना है, इनकन्वीनियंस। तो जो बंदा हवालात में बंद हो जाएगा वो हमें बुरा भला ही कहेगा। या आपस में बैठते हैं, सो दुख सुख शेयर हो जाता है और एक कॉम्रेडशिप जो है ना वो डेवलप होती है। नाज़रीन, 1607 में जब मुग़ल बादशाह जहांगीर ने शेखुपुरा को आबाद किया था तो उसका सिर्फ एक मकसद था, मकसद ये था कि खूबसूरत शहरियों के लिए पुरअमन शहर। लेकिन हर दौर में बुराई मौजूद रही है, बुराई गालिब आई और शेखुपुरा का अमन बर्बाद हुआ। पंजाब पुलिस ने इस अमन को बहाल किया और इस अमन के बहाल करने में DPO मुबशर मेकन साहब का एक क्लीदी किरदार है। आज हम मौजूद हैं ग़ुलाम मुबशर DPO शेखुपुरा के पास, और आइए आज उनसे हम जानेंगे कि किस तरह उन्होंने इस अमन व अमान को बहाल रखा हुआ है। वेलकम टू द पुलिस लॉग। अच्छा, होता यूँ है कि नाज़रीन, सुबह सुबह जब हमने कहीं जाना होता है, हम अपने घर में होते हैं, तो हमें ऑफिस जाने की होती है कि हमने ऑफिस जाना है, हम फ्रेश होके कोई काम करेंगे, वहीं पे कोई काम करेंगे। लेकिन आपको क्या पता है कि आज हम ये भी देखेंगे कि हमारे DPO साहब क्या करते हैं सुबह सुबह उठ के। आइए देखते हैं। नाज़रीन, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि लिए टाइम है घर में अभी, और व्हेन यू गो आउट ऑफिस के लिए निकलेंगे, लेकिन आई एम सरप्राइज टू सी घर में भी काम। सर क्यों, घर में तो बंदा रेस्ट करता है, आप क्यों घर में ही सारे काम शुरू कर दिया? जी, इस तरह है कि कुछ ऐसे मामलात हैं डिपार्टमेंट के जिसमें कॉरेस्पॉन्डेंस के रिलेटेड हैं और जिसमें कुछ फैसले करने हैं जिसमें यकसुई की ज़रूरत है, उसमें थोड़ा ज़्यादा फोकस्ड होकर काम करने की, ताकि तसल्ली से बग़ैर डिस्ट्रैक्शन के वो चीज़ हो सके। तो मेरा ये शेड्यूल है कि सुबह जब मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ तो पहले ये घर में कैंप ऑफिस बना हुआ है, तो जिनके रिलेटेड जो कॉरेस्पॉन्डेंस वाले ऑफिसर्स हैं वो इधर आ जाते हैं, तो सुबह हम उनको फ्री करके ताकि वो दिन में उस पर आगे जो जो एग्जीक्यूशन होने वाली हैं उसको फॉलो अप करें। फैमिली को थोड़ी बहुत शिकायत होती होगी कि यार घर में भी बाहर का काम। जी जी, इसमें जो है मेरा ख्याल है जितने भी पुलिस ऑफिसर्स हैं ना, टॉप टू बॉटम, ये डिपार्टमेंट ही ऐसा है, इसकी नेचर ऑफ जॉब ही ऐसी है कि इसमें फैमिलीज़ की शिकायत आना नेचुरल है कि आप टाइम नहीं देते या फोकस नहीं है, या घर में पहुँचे हैं तो तब भी फ़ोन, या घर पहुँचे हैं तो फिर जाना पड़ गया है, क्योंकि एमरजेंसी सर्विस भी है, सर्विस डिलीवरी है, किस वक्त कोई भी सूरत हाल हो सकती है उस हवाले से। बात हुई है रबी, वी हैव लर्नड कि इन्होंने ऑफिस जाना है, वहाँ पर खुली कचहरी, लोग इनका वेट कर रहे हैं, और द कंप्लेंट्स बड़ी बड़ी दूर से, क्योंकि शेखपुरा छोटा डिस्ट्रिक्ट नहीं है, इटकिट काफ़ी गाँव, काफ़ी तहसीलें। चलते हैं इनके साथ और देखते हैं कि वहाँ पे जो हमारे पास खुली कचहरी है वहाँ पे क्या हो रहा है और ये किस तरह उनके इश्यूज को एड्रेस करते हैं। चलिए मेरे साथ। हाँ जी, अब हम आए हैं, ये कंप्लेनेंट्स हैं जो मुख्तलिफ जगहों से यहाँ पे आए हैं। कंप्लेनेंट्स को हमने फिक्स टाइम दिया हुआ था, लोगों को बताया होता कि इतने दो घंटे में खुद बैठता हूँ। अच्छा, दो घंटे? हाँ जी, दो घंटे मैं इधर ओपन बैठता हूँ, पब्लिक में जो भी आए खुले मिले, ताकि वो IG साहब का और वज़ीर आला पंजाब दोनों की तरफ से जो हदायत हैं, ओपन डोर पॉलिसी की हदायत हैं, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब और IG पंजाब की तरफ से हदायत हैं कि आप बिल्कुल दरवाजे खुले खोल के बैठें। हमने ओपन डोर पॉलिसी भी रखी हुई है, लेकिन दो घंटे मैं इधर बैठता हूँ जिस मतलब कमरे से बाहर ओपन में, और दूसरा दो घंटे मेरे बाद एडिशनल SP साहब जो है वो बैठते हैं, तो चार घंटे हमारा जो है ना चार घंटे SP रैंक ऑफिसर जो है ना ये बाहर बैठा होता है, जो भी आए ऊपर बैठे। सिफारिश की जरूरत तो नहीं इस खुली कचहरी में आने के लिए? नहीं जनाब, किसी सिफारिश की ज़रूरत नहीं है, किसी रेफरेंस की ज़रूरत नहीं है। जो भी आप देखेंगे, अभी हम जा रहे हैं, जो भी साहिल आते हैं डायरेक्ट आते हैं और उनकी बात सुनी जाती है और साथ साथ उस पर काम। खुली कचहरी, कंप्लेनेंट्स, पुलिस ऑफिसर्स, एंड नाउ वी विल सी यहाँ पे क्या होता है। बुलाएं जी कंप्लेनेंट्स। मकबूल बीबी, तो आड़ा की मसला
पता मेरा कि मेरा काम अच्छा कुछ भी नहीं मिला। ओके, तो इनका जो मैटर है ना, मैं समझ गया इनका मैटर है पुलिस वेलफेयर से। अच्छा, पुलिस वेलफेयर से। पुराने सर्विस वो फौत हो गए थे तो वो हम ये इंटर डिपार्टमेंट के अंदर ही है। सो खुली कचहरी जो है इसमें लोग अपने डोमेस्टिक इश्यूज, लोग अपने नॉर्मल इश्यूज, उसके अलावा लोग अपने पुलिस रिफॉर्म से रिलेटेड भी। आप महबूब इनको साथ लेके जाएं चार्ज वेलफेयर के पास, उन्हें कहें कि इनका भी मसला हल करा कर भी मुझे बताएं। अरे सर, मैं पूछ रहा था कि ये जो खुली कचहरी है यहाँ पे लोग अपने इश्यूज लेके आते हैं, डोमेस्टिक इश्यूज, अराजी के इश्यूज, ये जो पुलिस वेलफेयर के इश्यूज भी हम खुली कचहरी में सुनते हैं। हाँ जी, इसमें पुलिस वेलफेयर का वो खातून है, उनके खावन फौत हो गए थे, वो कहते हैं डिपार्टमेंट से वो सपोर्ट चाहती है। अच्छा, फाइनेंशियल सपोर्ट चाहती है, तो उसके लिए वो फिर हम वो भी हल करते हैं। ओपन में बैठे हैं, जो भी आ जाता है तो जो आएगा उसको डेली फीचर, इट्स अ डेली फीचर। इसमें बाज़ औक़ात को पुलिस मुलाजिम भी है, वो कि हम हफ्ते में एक दिन पुलिस मुलाजिम को सुनते हैं, बट एक दिन कभी वो भी आ जाते हैं। मेरे मंडी मरीज से फिर मैं दुकान से बाजार के पहले पास से मेरा कारोबार सी थी, मेरा लड़का मुकन का जी मैं ऐपा पर चलिया, मैं कहा मैं नहीं जाता, मेरा कारोबार है, मैं साल के दाने ना दिंदा पा के पी तीह मन दाने कणक पाउनी, चार पाँच मैं बोरियां लैनी चौल दियाँ इन्हें खून क्या दे। मैंने कहना जी ऐपटाबाद जाना, मैं आख्या जी मैं नहीं जाना ऐपटाबाद, ये तो एक छोटे बड़े मुंडे रल के कहेंगे तुम इस तरह करो, तुम चले मैं दुकान सामभ लाँगा, दुकान मेरी सामभ ली, मैं चला गया। मैं उतों आया कोई साल छः महीने बाद, मैं आख्या भी दुकान का मैं हिसाब दे, कहना कि दुकान तुम्हें रोटी कपड़ा चाहिए वा खाओ क्या देने। तीन बार तो शाह ने मैंने घरों कटिया लड़के ने, तीन चार बार बड़े बड़े छोटे लड़के घर से लिया, चार बड़े घर से लिया, हूँ रोजे बच्चे बड़े मुंडे घरों कटिया, मैंने तो छोटा मुंडा बना लै गया बेटी, उन्होंने ये घर फिर पाता है जी। हूँ मैं चौथा महीना हो गया, मैंने कोई नहीं बोलचाल, जो पहला मेरा बोलचाल कोई नहीं, मैं वह आंता तेरी मेरी बीवी का मेहरबानी है कि तुम रोटी खा रही है। फिर वह मेरा पोतरा बोलिया तो कहना दादा भी तुम रोटी नहीं खाते, चलो मैं फिर मैं चुप कर रहा। फिर बीवी जी वो मेरे मगर में तुरी, फिर किरे कमरे जाए गल निकले तो मैं गल वो मैं मेरे लड़ पी, तो मैं रोटी बाजारों खा रहा जी। चलो मैं एस एच सिटी मरीज को कहना तो बेटिया बुला, मरीज के नहीं जाना, मैं तो लाहौर पाँच साल तो रह रहा हाँ, फिर अपने मैं दफ्तर ही बुला लाँ इतनी थोड़ी मेहरबानी है। चलो मैं अपने दफ्तर बुला के ना खुद सुन के तुहाडा मसला हल करा। अच्छा सर, आपने भी बहुत ज़्यादा कंप्लेनेंट्स हैं उन्हें सुना, उनके इश्यूज़ को रीड्रेस किया, काफ़ी ज़्यादा ज़मीनी मसले, दूसरे मसले, लेकिन सर व्हाट्स नेक्स्ट, अब हम आगे क्या देखेंगे? हाँ जी, अब इसमें यह है कि इसके रिलेटेड मैं एक बात करना चाहता हूँ, अब इसमें मल्टीपल किस्म के इश्यूज़ आए हैं जिसमें बाप का बेटों के साथ भी मसला है। अब डायरेक्ट वो लीगली हमारे तो प्रवीण नहीं है कि हम बेटों को फर्मा बरदार कैसे बनाएंगे, पुलिस से कुछ रेवेन्यू के रिलेटेड, अदालत के रिलेटेड हैं, और कुछ छोटे मोटे सोशल इश्यूज़ हैं, सास बहू का इश्यूज़ है, औरतें अपन में झगड़ती हैं, अब खाविन तावन नहीं करता, अब ये वो सारे मामले हैं जो हमारे प्रवीण हैं। लेकिन इसमें भी हम लोगों को मायूस नहीं करते, कोशिश करते हैं कि कोई इनको, अब पुलिस जो है मैं आपको बताऊँ 50% काम अपना वो करती है, 50% काम वो काम करती है कि जो जस्ट पीस मेकिंग के लिए हम आगे करते जाते हैं। आपकी काम आ रहा था फ्रूट मंडी में, काम उधर से चोरी हो गया था, तो ये फिर आपने कैसे ट्रेस किया? ये हमारे आईटी के हैं इंचार्ज, तो आप बताएं कि किस तरीके से आपने ट्रेस किया? लोगों को तो मोबाइल मिलते नहीं, मोबाइल घूम जाए तो आप भूल जाए मिलेगा, आपने किस तरह ढूंढ दिया? हमारा एक ई गैजेट मोबाइल ट्रैकिंग सिस्टम है, वो लॉन्च हुआ है, जो भी दुकानदार मोबाइल ख़रीदेगा ना वो उसको ऐप में इंटर करेगा, जैसे इंटर आते होती है हमें इधर अलर्ट आ जाता है, जैसे अलर्ट आता है हम मालिक को कॉल करते हैं भी आपका ये मोबाइल मिल गया, इसी तरह ये मोबाइल कवर राउंड ऑफ करते हैं, जो लोग बेच रहे होते हैं, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। ठीक है, मोबाइल मिलेगा इंशाल्लाह, बहुत शुक्रिया इनका। अच्छा जी, इतना महंगा मोबाइल लिया लेते वक्त एक जेन में होगा जी सर, गया तो क्या करूँगा, वापस मिला तो कैसी फीलिंग? बहुत अच्छी खुशी है, इनका शुक्रिया सर, बहुत मेहरबानी। ये एक ऐसा मोमेंट है कि एक छोटा सा मोबाइल है, कोई उम्मीद नहीं होती, गुम जाए आप इसको बेच दें नहीं पता लगता, लेकिन लोगों को भी मोबाइल वापस मिल रहे हैं। कोई एमओयू साइन हो रहा है कि जो हमारे पुलिस मुलाजमीन या जो शहदा हैं उनकी जो बच्चों की एजुकेशनल जो एक्सपेंसेस होंगे वो बेयर करेगी पुलिस विद द कोऑपरेशन ऑफ दैट इंस्टीट्यूट, इज इट? जी, इस हवाले से ये है कि ज़िला शेखपुरा में जो तालीमी इदारे हैं और हॉस्पिटल्स हैं, कुछ हॉस्पिटल्स ने और तालीमी इदारे जो हैं उन्होंने वॉलंटियर किया है
कि हम आपको जो पुलिस के शोदा हैं हम उनके बच्चों को मुफ्त पढ़ाना चाहते हैं इन रिकग्निशन ऑफ देयर सर्विसेज। ज़बरदस्त सर। और इसी तरह उन्होंने कहा कि बाकी जो सर्विंग हैं या उनको हम कोई रियायत देंगे तो हमारे इदारों में पढ़ाएँ। उनका ये कहना है कि चूँकि ये पुलिस के ऑफिसर जो हैं मुलाजमीन जो हैं जो कि बड़ी टफ जॉब कर रहे हैं और हमारी सिक्योरिटी के लिए तो हम उनकी उनके ऑनर में और उनकी जो सर्विसेज हैं उनके ऑनर में तो हम करना चाहते हैं। तो ये वॉलंटियरली को इस तरह साइन करते हैं फिर हम इनको पूरे डिपार्टमेंट में सर्कुलेट करते हैं कि आप इसको जो है आगे ताकि जो लोग भी इसको अवेल करना चाहें वो करें। अ वेरी कमेंडेबल जॉब के जो हमारे लोग हैं सिविल सोसाइटी है आइदर दे आर फ्रॉम द स्कूल्स अच्छे हॉस्पिटल्स जो हमारे पुलिस के शोधा इन रिकग्निशन ऑफ देयर सर्विसेज उनके एजाज़ में उनके सर्विसेज के एजाज़ में वो जो हमारे पास शेखुपुरा पुलिस है उनके साथ लाइजॉन कर रहे हैं दे आर गोइंग टू साइन एम ओ यू। एक मफामती याददाश्त लिखी जाएगी कि उनके जो बच्चे हैं उनके इलाज मुफ्त होंगे उनकी तलीम के अखराजात पुलिस और ये मिल के एक्सपेंसिस को बेयर करेंगे। सर प्लीज़ प्रोसीड करें आप। DPO शेखुपुरा गुलाम मुबशर मेकन साहब ने एक MOU भी साइन किया जो हमारे पास हॉस्पिटल्स हैं अच्छे स्कूल्स हैं जो पुलिस के शहदा हैं उनकी सर्विसेज को रिकग्नाइज करते हुए सिविल सोसाइटी ने एक कदम बढ़ाया पुलिस की तरफ और पुलिस ने उनके साथ उस कदम के साथ हम कदम होके एक मुफामती याददाश्त को भी साइन किया ताकि जो बच्चे हैं जिनके वालदैन जिनके वालद जिनकी वालदा पुलिस सर्विस दौरान शहीद हो चुके हैं उनकी सर्विसेज के अजाज में उनको अच्छी तलीम तो मिल सके। अच्छा सर मुझे बताइएगा ये तो एक MOU है मफावती याददाश्त है सर इससे पहले कितने को स्कूल कॉलेजेस और कितने हॉस्पिटल्स जो आप शेखुपुरा पुलिस को फैसिलिटेशन के लिए लोग MOU साइन कर चुके हैं? हाँ जी इसमें ज़िला में 37 तालीमी इदारे हैं जिसमें यूनिवर्सिटी लेवल के इदारे भी हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब पंजाब कॉलेज सुपीरियर कॉलेज पंजाब लॉ कॉलेज इन तमाम इदारों के साथ हमारे MOU साइन हैं और 3 हॉस्पिटल्स हैं प्राइवेट जो अच्छे हॉस्पिटल्स हैं डिस्ट्रिक्ट के उन्होंने हमारे साथ किया हुआ है कि पुलिस मुलाजमीन के बच्चे फैमिली अगर हम हमसे इलाज कराते हैं तो उसमें हम उनको कंसेशन देंगे और उनको सहूलत भी देंगे। सर खुली कुचहरी जी देखा लोगों इश्यूज लेके हैं जी सर क्या वजह है कि पुलिस इतना काम करती है कुछ ऐसे इश्यूज जिस तरह आपने बताया कि बच्चे एक वालदैन उनके बच्चे उनके साथ उनके ओबे नहीं करते फिर भी पुलिस वालों के पास होते हैं पुलिस वालों ने सीने से लगाते हैं उनके इशू को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं क्या वजह है कि सर अभी तक जो पुलिस का परसेप्शन है पब्लिक में ठीक नहीं हो पाया इतना काम करने के बावजूद? जी असल में इस तरह है कि जो महकमा सुई गैस है या वापदा उनका एक क्लाइंट है वो आता है उसका इशू अगर रिजॉल्व हो जाता तो ही इज़ हैप्पी। हमारे पास आता है 2 फ्री कैन अब 2 फ्री कैन जो है ना उनको हम दोनों को सेटिस्फाई नहीं कर सकते एक को हमने कहना है कि आपने गलत किया और आपने ठीक किया दूसरा ये है कि अक्रॉस द वर्ल्ड पूरी दुनिया में पुलिस ऑर्गेनाइजेशन जितनी भी हैं उनका और आवाम का आपस में लव हेट रिलेशनशिप भी है कि जिसमें तो वो अच्छा कर दे वो कहते हैं वी लव यू और जो उनकी मर्ज़ी के खिलाफ हो जाए तो दे हेट अस उसकी रीज़न ये है कि रोड के ऊपर हमने गाड़ी को रोकना है इनकन्वीनियंस को गाड़ी बंद करनी है इनकन्वीनियंस बंदे को रोकना हवालात बंद करना है इनकन्वीनियंस तो जो बंदा हवालात में बंद हो जाएगा वो हमें बुरा भला ही कहेगा। वन दूसरा ये है कि 2 फ्री कैन आते हैं उनको एक को हम जो गलत कहते हैं वो पहले जो अदा कहता है कि या तो ये अप्रोच हो गए हैं या को मिली भगत हो गई है मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई है हर बंदा अपनी मर्ज़ी का इंसाफ भी चाहता है। फिर कुछ ऐसी प्रोसीजर्स भी हैं जैसे कोई रेवेन्यू के रिलेटेड है अदालत के रिलेटेड है कुछ ऐसी चीज़ें हमारे प्रव्यू में नहीं। अब ये जो बुज़ुर्ग आए हैं जो कह रहे हैं मेरे बेटे नाफरमान है अब पुलिस क्या करेगी उनको बुला कहेगी यार वालदैन का ख्याल करें ख्याल करें वो फिर नहीं करेगा तो बुज़ुर्गों ने क्या कहना है इंसाफ नहीं है इस मुल्क में इंसाफ नहीं किया पुलिस मिल गई ये हुआ वो हुआ तो पुलिस के भी अपने इस हवाले से मामलात हैं। मैं समझता हूँ कि वो उसको मतलब जितना भी हम अच्छा करें अब एक और चीज़ है मसलन क्राइम इंसिडेंट हो जाता है उसमें जो रिकवरी है अब वो पुलिस से तवक्को किया जाता है कि आप हमारा लूटा हुआ माल भी रिकवर करके दें। कानून में पुलिस कोई रिकवरी एजेंसी नहीं है। अच्छा पुलिस को ही रिकवरी चाहिए आपका अगर मोबाइल को छीना गया है तो हम रिस्पॉन्सिबल हैं कि मोबाइल ही आपको वापस करें और हम नहीं कर रहे तो हमको गुनाहगार हैं। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। कानून में ये है कि अगर हम जो है किसी चोर डाकू को पकड़ेंगे और अगर आपका मोबाइल मिल जाता है या उसके रिलेटेड कोई चीज़ मिलती है उसकी
तार मिल जाती है, उसका कवर मिल जाता है, तो वो हम अदालत में पेश करेंगे एज एविडेंस। बिल्कुल एज एविडेंस हमारा था, लेकिन वक्त के साथ साथ सोसाइटी ने हमारे ऊपर रिकवरी भी ला दी है कि आप कराएं, एक्सपेक्टेशंस बढ़ गए हैं। हाँ, मेरा मोटरसाइकिल चोरी हो गया, मोटरसाइकिल दिलवाएं, किधर से दिलवाएं? वो जी चोर डाकू पहले पकड़े हैं, फिर उससे वो रिकवर ओरिजिनल, अब आगे चोरों डाकू ने वो बेच दिए होते हैं। बिल्कुल सर, ऐसे वो कौन से उन्होंने रखे होते हैं कि पुलिस आकर, तो मतलब अब वो उनकी नाराजगियाँ, जिसका कोई भी सामान चोरी हो गया या कोई हो गया, उसके बंदे नहीं ट्रेस हुए या वो पकड़े नहीं गए, तो वो उस पर इल्ज़ाम। अभी हमारा बेसिकली आईटी सेंटर है और इसके साथ हमारा एक 15 का सेंटर है, वो हम विज़िट करेंगे। इस आईटी सेंटर में हम एक्सप्लेन करूँगा कि हम क्या क्या यहाँ पर चीज़ें हो रही हैं। हाँ जी, इसमें ये है कि मैं आपको ये गुजारिश करूँ कि जो पुलिस डिपार्टमेंट है वो आईटी के शोबे में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत एडवांस एक्सेल हो गया और पहले से हम बहुत बेहतर हैं। मसलन उसमें हमारे पास हम नादरा से लिंक्ड हैं। हाँ, इसमें हम नादरा से लिंक्ड हैं और हम एक्साइज से कि हमें वो चीज़ें चाहिए हो, उस हवाले से अगर किसी की ट्रैवल हिस्ट्री चाहिए हो तो वो हमारे आपस में पहले की नस्बत लाइजान बेहतर है। अब ये है कि सबसे पहले मैं इधर से आपको दिखाना चाहूँगा कि ये हमारी डीपी ऑफिस की सिक्योरिटी के ये कैमराज हैं। इसके बाद ये आप देख रहे हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट के जो हवालात है, लॉकअप हैं, ये उसके कैमरे लाइव आप देख रहे हैं कि कितने बंदे हैं और किस स्टेट में। अगर यहाँ पे मसलन एक डिस्ट्रिक्ट में हादसा हुआ था कि एक बंदे को सांप ने काट लिया, वो फौत हो गए, उसके घर वालों ने कहा कि पुलिस तो बंदा हमारा मार दिया, तो वो फिर जब उसकी वीडियो सामने आई तो सामने नज़र आ रहा था कि बंदा सोया हुआ है और फ्रॉम समवेयर कुछ सांप आया और मतलब कहीं से जो हादसा हो गया। अच्छा सर, अब हम किधर जा रहे हैं? ये हम पुकार 15 का ऑफिस है। पूरे पंजाब से जो इमरजेंसी कॉल्स हैं वो सेफ सिटी लाहौर में पहुंचती हैं। यहाँ पे आगे हमारा फर्दर सेटअप है कि वहाँ से इमीडिएटली यहाँ कॉल ट्रांसमिट होती है और डिस्ट्रिक्ट में कि कहाँ पे क्या इंसिडेंट हुआ है उस हवाले से, और यहाँ पे वो ये सारा सेटअप। सर, ये रेस्क्यू वाले यहाँ पे क्या कर रहे हैं इनका? तो हमने इस हवाले से रेस्क्यू 1122 वाले जो हैं इनका भी यहाँ पे हमने कंबाइन एक सेटअप बनाया है यहाँ पे, और इसका ये है कि जो रेस्क्यू की कॉल्स हैं उसमें बाद पुलिस की भी कॉल्स आ रही है। ज़बरदस्त। और बाद रेस्क्यू की कॉल्स है जिसमें पुलिस की मदद ज़रूरत होती है, तो ये हमारा जॉइंट यहाँ पे बनने से इसका बड़ा फ़ायदा है, ताकि जॉइंट वेंचर है इनके साथ जिससे को वो बता सकते हैं। तो सर, यूनिफाइड रिस्पॉन्स है, इंटीग्रेटेड रिस्पॉन्स है इन वन रूफ। जी जी, अंडर वन रूफ। अंडर वन रूफ, और इसी तरह ये कॉल्स आ रही हैं तो ये साथ साथ आगे जो बताए जा रहे हैं, और इसका ये फ़ायदा है कि ये सारा कंप्यूटराइज भी इसका हो रहा है सेटअप के, भाई जो है वो हमारे पास रिकॉर्ड भी है कि कब कॉल आई थी, रिस्पांस टाइम क्या है। ज़बरदस्त। इसका मकसद ये है कि हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि कम से कम वक्त में वो इस तरह से रिस्पॉन्स। माजी में कुछ शिकायत रहती रही हैं कि पुलिस टाइम पे नहीं पहुंचती, अब क्या पुकार के आने से इस सारे सिस्टम के आने से जिस तरह आपने बताया कि रिस्पॉन्स टाइम चेक होगा, अब जो है ना ये रिस्पॉन्स टाइम एक्चुअली मोनिटर हो रहा है पूरे लाहौर में सेंट्रलाइज। पहले डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट होता था तो उसमें कोई कमी बेशी हो सकती थी, लेकिन अब पूरे पंजाब में वो सामने फिगर आ जाते हैं, तो उसमें फिर हमारे लिए बड़ा उसमें एक जिम्मेदारी बन गई हमारी कि हम उसको अश्योर करें। इवन डीपीओ साहब के लिए भी जिम्मेदारी है। हमारे पास ये पंजाब सेफ सिटी के जो है नुमाइंदे हर डिस्ट्रिक्ट में हमारे पास हैं, ये ऑफिसर वहाँ से हमारे साथ हैं जो कि इसको हमारे साथ मिलकर ऑर्गेनाइज कोऑर्डिनेशन करते हैं, कोऑर्डिनेशन करें। आप कुछ बताएं जिस सवाल से, क्या आप जो वर्किंग कर रहे हैं इससे रिस्पॉन्स टाइम में कितनी बेहतरी? ऑन एन एवरेज अगर एक मंथ बाद हम देखते हैं हमारे पास कॉल्स में जो रिस्पॉन्स टाइम है उसमें कितनी बेहतरी आती है? बेसिकली अगर हम बात करें रिस्पॉन्स टाइम की, तो रिस्पॉन्स टाइम में बेहतरी आती है कि फॉर एग्जांपल अगर हम पिछले मंथ से अगले मंथ को कंपेयर करें तो एवरेज हम उस कॉल को कम करने के लिए उस जगह पे उस चीज़ के उस सर्कल का हम चेक करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास 5 सर्कल्स हैं, अगर हम चेक करते हैं कि ऑन एवरेज हमारे पास रिस्पॉन्स टाइम इस वक्त ज़्यादा आ गया, तो नेक्स्ट मंथ के लिहाज से हम उसकी प्रैक्टिस करते हैं, यानी कि हमें उस क्राइम लोकेशन का पता लग जाता है कि यहाँ पर क्राइम ज़्यादा होता है, तो हमने रिस्पॉन्स टाइम आगे से ज़्यादा करने के लिए उसको कम करना है। तो इफेक्टिवली जब हम उसको परफॉर्म करते हैं तो हमारा कंपेरेटिवली जो हमारा प्रीवियस मंथ होता है उससे जो हमारा एवरेज रिस्पॉन्स टाइम होता है वो अगले मंथ का ज़्यादा अच्छा होता है। इस तरह आगे फर्दर पर फर्दर इस तरह हम उसको मैपिंग करते हैं, उसका सारा एनालाइज करते हैं ताकि रिस्पॉन्स टाइम हमारा कम से कम इन फ्यूचर जो है वो कम से कम होता जाए। सर, आपने अभी मुझे पुकार का आईटी सेंटर का बताया, सर वहाँ पे कुछ दोस्त कुछ आदमी खड़े हुए हैं फूलों के गुलदस्ते लेके, सर वो कौन लोग हैं? ये पता चला अभी कि ट्रेडर्स आए हैं कुछ फ्रोज वाला से, मेरे लिए भी बस अभी मैंने भी इनको देखा तो अभी जाकर उनसे मिलते हैं तो पता चलता है। तो हमारे साथ इस वक्त हैं एडिशनल एसपी ऑपरेशंस शेखुपुरा आमिर नियाजी। ये जो अभी हमने आईटी का सेटअप देखा है और पुकार 15 का देखा है तो ये इनका सारा सेटअप बनाया हुआ है। मतलब इन्होंने इसे खुद इन्होंने खुद इसको मतलब एक
कॉन्सेप्ट सारा इसको ऑर्गेनाइज किया और अभी सारा इसको आगे रेगुलर लुक आफ्टर भी ये कर रहे हैं। तो डिस्ट्रिक्ट में जितने ऑपरेशन हैं, और मैं आपको बताऊं कि आज की डेट में हमारे डिस्ट्रिक्ट में पोलियो के कतरे जितने कतरे पिलाए जा रहे हैं उसमें पुलिस मुलाजमीन साथ हैं। एहसास प्रोग्राम हमारे ज़िले में चल रहा है, उसके हमारे साथ हैं मुलाजमीन। इसके अलावा बैंकों की सिक्योरिटी, ज्वेलरी शॉप्स की जो मार्केट है उसकी सिक्योरिटी, उस हवाले से हमारी मुख्तलिफ जगहों पर डिस्ट्रिक्ट में डिप्लॉयमेंट हुई है। DPO शेखुपुरा मुबशर मेकन साहब ने जो खिदमत मरकज़ है उसका एक दौरा भी किया और वो सरप्राइज था। विद इन 3 डेज कैरेक्टर सर्टिफिकेट उसको मिल जाएगा, तो आप यहाँ से थाने ऑनलाइन कर देंगे और वहाँ से आपको आ जाएगा, और बंदे को वापस कैसे पहुँचेगा? DPO साहब ने थाना ADVN का एक सरप्राइज विजिट भी किया ताकि देख सकें कि थाने में किस तरह के काम हो रहे हैं। जी, इसमें ये हमारा बेसिकली मॉडल पुलिस स्टेशन भी है, ये हमारा फ्रंट डेस्क है। इसमें ये प्राइम मिनिस्टर का ये विजन था कि हम मॉडल पुलिस स्टेशन बनाएं, जो कि स्पेशल इनिशिएटिव के हैं थाना जात। इसमें यह है कि कोई भी बंदा आता है जिसका कोई इशू है तो ये फ्रंट डेस्क है, यहाँ पे वो सारे अपने मामला जो हैं यहीं पे उसके हल हो जाते हैं। और ये काउंटर भी बना हुआ है, ये कोई इधर से थ्रू चिट को रश हो तो इसके ज़रिए, लेकिन अदरवाइज़ डायरेक्टली भी इनसे बात करके तो अपने मामला जो है वो हल करा सकते हैं। आपको ना बस बरकत भी होती है जब इज्तमाहीत में बैठ के हम खाना खाते हैं। दूसरा इसका ये मकसद भी है, ये जो मैस हम ऑर्गेनाइज़ करते हैं और हम तमाम थानों में भी हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम वो करेंगे, उसका मकसद ये है कि सीक्रेसी ऑफ इंफॉर्मेशन भी होती है क्रिमिनल के बारे में। जब होटल पर जाते हैं बात करते हुए कोई बात मुश्किल हो जाती है, लोग सुन लेते हैं या आपस में बैठते हैं, सो दुख सुख शेयर हो जाता है और एक कॉमरेडशिप जो है ना वो डिवेलप होती है। अच्छा सर, मुझे बताएं कि ये रिपोर्ट भी हुआ कि आपके आने से पहले यहाँ पे इवन पुलिस वालों को भी रॉब कर लिया जाता था, कुछ ऐसे अनासर शरपसंद अनासर मौजूद होते हैं, आपके आने के बाद सर कितना फ़र्क पड़ा? शेखुपुरा जो है वो हाई क्राइम एरिया समझा जाता है, पुराना हिस्टोरिकली यहाँ पे बहुत कदीमी दुश्मनियाँ रही हैं जिसमें बहुत सारे बंदे कत्ल हुए, असले का यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रेंड था। क्राइम भी उस हवाले से आबादी भी बेहंगम सी हो गई है, फैक्ट्रियाँ नहीं बन गई हैं, नई सोसाइटियाँ नए इलाके बन गए हैं। जब मैं जब से आया हूँ तो हमने इस हवाले से कोशिश यहाँ पे की हैं, पहले हमने कोशिश की नाजायज़ असले के खिलाफ, उसमें हमने करीबन 650 के करीब नाजायज़ असले हमने वो पकड़े। फिर हमने मंशियात के खिलाफ, इस जिले में मंशियात के हवाले से शिकायत की, उस हवाले से हमने कोशिश की है। फिर हमने यहाँ पे जो यहाँ पे CIA के सेटअप हैं उनको हमने मज़ीद ऑर्गेनाइज़ किया है, मुख्तलिफ़ यूनिट्स बनाए हैं, उनको मज़ीद उनकी मॉनिटरिंग बेहतर की है ताकि जो क्रिमिनल्स हैं वो साथ साथ पकड़े। अगर हम गौर करें तो जैसे मैंने पहले बताया 35 लाख की अगर आबादी है, तो अगर क्रिमिनल्स हम जो क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी के क्रिमिनल्स हैं तो उनकी तादाद को बहुत ज़्यादा लाखों में नहीं होगी, मैक्सिमम 10,000-15,000 बंदे होंगे जो आज तक कभी पहले चलान में होंगे या उससे भी कम होंगे जब हम देखें। तो उन पर हम अगर फोकस करते हैं, क्राइम मैपिंग के मुताबिक हम पेट्रोलिंग करवाते हैं और IT के अपने इनिशिएटिव जो है वो उनको एक्टिवेट करते हैं जिससे उनको ट्रेसिंग के वाले से, तो मेरे ख्याल उसमें बेहतरी आती है। अच्छा सर, ये तो इम्पॉसिबल है कि पुलिस की जितनी नफरी है कि हर गली में एक बंदे को खड़ा कर दिया जाए। आप आए, आपने एक इनोवेशन की, आपने ठीकरी पैरा शुरू किया, आपने नंबरदार जो सिस्टम होता था, एक इलाके का नंबरदार है, एक गांव का है वो बड़ा है, कुछ मसाहलत वो भी करवा लेता है या कुछ लोगों पर नज़र वो भी रखता है, ये इनिशिएटिव कितना सक्सेसफुल रहा? हाँ जी, एक बात तो क्लियर है कि अमन का क्याम जो है ना वो सिर्फ अगर पुलिस पर हम छोड़ देंगे तो वो मुनासिब नहीं होगा, उसमें पूरा माशरा जो है ना उसकी ज़िम्मेदारी है और हर बंदा जो है ना वो उसकी ज़िम्मेदारी है कि वो अमन कायम रखे, चाहे वो दो लड़ते हुए लोगों के दरमियान सुलह भी कराता है तो अमन का पैगंबर बन जाता है।
तो इस हवाले से हमने यहाँ पे जो पहले कल्चर है कि रात के वक्त घरों के अंदर 10-10, 15-15 बंदे जो हैं वो चले जाते हैं वर्दियों में, बगैर वर्दियों में क्रिमिनल जो हैं वो वहाँ पे वारदातें करते हैं, उसकी रोकथाम के लिए हमने यहाँ पे जो नंबरदार है उनको एक्टिवेट किया है और हमने तमाम देहातों में रात को पहरे का निज़ाम लगाया। अब आप किसी भी गाँव में रात को चले जाएँ तो वहाँ पर आपको पहरेदार मिलेंगे। फिर दूसरा हमने किया कि जो मार्केटें हैं वहाँ पर हमने चौकीदार जो हैं उनको एक्टिवेट किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब से ये हमारा एक्टिवेट हुआ सिस्टम तो क्राइम के हवाले से हमें काफ़ी उस हवाले से बेहतरी आई। तो हमने पूरे ज़िले के जो मैनेजर्स हैं उनके साथ कोऑर्डिनेशन में और हमने इसकी तशहीर की कि पूरे डिस्ट्रिक्ट में कोई भी बंदा 5 लाख रुपए से ज़्यादा रकम अगर एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना चाहता है तो पुलिस साथ जाएगी। तो वो हमने इस तरीके से ताकि जो है ना हम उनको, और फिर मैंने जैसे पहले बताया बैंक एरिया है, ज्वेलरी शॉप का एरिया है, कुछ पेट्रोल पम्प्स हैं जो ज़्यादा फाइनेंशियल जहाँ पर ट्रांजेक्शन होती हैं उनको हमने पहला हमारा फोकस है कि उनको हम वो कवर करें। बाकी माशरा इतना बड़ा, इतनी ज़्यादा आबादी है, उस हवाले से हम कोई ना कोई छोटा मोटा ऐसा इंसिडेंट हो जाता है, लेकिन अल्लाह का करम है क्राइम के हवाले से ज़िले में बेहतरी आई। सर अब पूरे दिन के बाद जब ड्यूटी हो जाती है, पूरा दिन एक टफ जॉब के बाद लइए टाइम में क्या करते हैं अभी, आप क्या करेंगे इसके बाद? हाँ जी, इसके बाद मैं अपने घर जाऊँगा और अपने बच्चों के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करूँगा, और क्योंकि हमारा जो है वो इवनिंग टाइम के बाद हमें थोड़ा सा वो टाइम मिलता है जो हम थोड़ा फैमिली को, फिर रात को फिर दोबारा हमें पेट्रोलिंग को ऑर्गेनाइज़ करना होता है या डिफरेंट इंसिडेंट्स हो रहे होते हैं जिनकी सुपरविजन करनी होती है, और वो सुपरविजन जहाँ भी हम वहाँ से साथ साथ लाइव हमारी चल रही होती है। तो उस हवाले से फिर उसके अलावा मेरा बेटा जो है बड़ा वो क्रिकेटर है। अच्छा। उसको क्रिकेट का शौक है और वो मुख्तलिफ क्लब में वो खेलता भी रहा है, अंडर 13 भी एक दफ़ा सिलेक्शन उसकी हुई थी, वो खेला है। तो वो उसको देखते थे कि मुझे भी क्रिकेट की में दिलचस्पी है, तो फिर वो जिस क्लब जाता है तो मैं भी वहाँ पे जाता हूँ। तो आज पता लग जाता है बाप बेटे में से कौन अच्छी बॉलिंग करा लेता है, देख लें फिर। जी जी बिल्कुल। चलें जी, डीपीओ साहब के साथ चलते हैं और देखते हैं कि आज बॉलिंग में कौन आगे निकलता है। आपको शौक है सिर्फ क्रिकेट का शौक है या पढ़ाई भी अच्छी हो जाती है? जितना क्रिकेट पर फोकस होता है उतना पढ़ाई पर भी होता है। क्या अच्छा कर लेते हो, बॉलिंग बैट्समैन हो? मैं बॉलिंग में ज़्यादा अच्छी करता हूँ। आउट कर लोगे बाबा को आज? पता नहीं। सर बच्चा तो कह रहे हैं कि आप बड़ी अच्छी बॉलिंग करवाएगा आपको आज, आज हम देख लें फिर क्या बनता है। जी देख लेते हैं। और राणा साहब अगर बॉल कराएंगे तो फिर तो बात ही होगी। नहीं, राणा साहब को तो हम फेस नहीं कर सकते क्योंकि ये बड़े नहीं जी, राणा साहब फेस नहीं होंगे। डीपीओ साहब बेशक एक बहुत बड़ी अथॉरिटेटिव पोस्ट है, लेकिन राणा साहब फेस नहीं होंगे बॉलिंग में कमोबेश। राणा साहब बहुत शुक्रिया आपने, डीपीओ साहब आपके गेस्ट बने और हम इनके तवस्सुत से आपके गेस्ट बने। कैसा यहाँ पे आप बच्चों को क्या ट्रेन कर रहे हैं? देखिए जी, मोस्ट वेलकम। आप एज ए स्पोर्ट पर्सन तो मैं वेलकम करता हूँ आप लोगों को सबको, स्पेशली डीपीओ साहब को जिन्होंने मतलब मेरी ही ग्राउंड को चॉइस किया और आए यहाँ पे, मेरे लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात है। और मैं 2-3 दिन से इंतज़ार कर रहा हूँ क्योंकि इन्होंने मुझे कहा था कि मैं आऊँगा, तो मैंने बड़ा अच्छा लगा हमें यहाँ पर आके इनको पा के यहाँ पर, और बड़ा ज़बरदस्त आपके सामने है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि क्योंकि मैं शेखुपुरा से बिलोंग करता हूँ, तो मेरी कोशिश है कि यहाँ पे जो हमारे लोकल क्रिकेटर्स हैं उनको कोई फ़ायदा दिया जाए, इसलिए मैंने यहाँ पे एकेडमी बनाई और 9 साल से हम लोग इसमें काम कर रहे हैं, और जितने भी हमारे गरीब बच्चे हैं यहाँ पे हमारे उनको हम प्रमोट कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि सो फार अभी तक तो सही चल रहा है। और अभी आपने जो बात की है कि बच्चों के लिए, मैं समझता हूँ बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है और बहुत सारी बुराइयों से बच जाते हैं अगर ग्राउंड में कोई बच्चा आता है, तो हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है और अच्छा लगता है कि कोई बच्चा आ रहा है तो दूसरी एक्टिविटीज़ से, नेगेटिव एक्टिविटीज़ से बचते हैं, और हमारे लिए ऐसे के फ़ख्र की बात है। सर आपने पुलिस ही क्यों ज्वाइन की, आपका बचपन से शौक था या क्या रीज़न थी या वालदैन की ख्वाहिश थी? जी, पुलिस सर्विस में आने का मुझे स्कूल डे से शौक था, मेरा ये ख्वाहिश थी मैं कि मैं पुलिस सर्विस ज्वाइन करूँगा और एज ASP आऊँ।
उसके रीज़न ये है कि मैं जहाँ का रहने वाला हूँ ज़िला सरगोधा से, अगर मेरी तहसील शाहपुर, तो जब मैं स्कूल में था तो वहाँ पे एक ASP पोस्ट हो गया, तो उनकी मैंने बड़ी तारीफ सुनी कि वो लोगों को इंसाफ देते हैं, जो भी बंदा जाए उनको मिलना मिलने में आसानी है और बड़े ईमानदार ऑफिसर हैं। तो मेरे जहन में एक वो एक ऐसे नक्शा सा बना हुआ था कि बंदा को ASP होना चाहिए, ऐसे ईमानदार होना चाहिए, ऐसे लोगों की केयर करे, उसके अंदर एम्पथी होनी चाहिए लोगों के मामलों के लिए, और वो दूसरों की मतलब लोगों की खिदमत करे सारा दिन। बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है उसमें। हदीस मुबारक भी है कि रसूल सल्लम का फरमान है कि एक लम्हे की जो इबादत है, एक लम्हे का जो इंसाफ है, वो हज़ार साल की इबादत के बराबर है। तो इसमें मतलब हमारी जॉब भी है, हमें गवर्नमेंट पे भी कर रही है, इसमें नेकियां भी हैं, इसमें सर्विस भी है, इज़्ज़त भी है। तो मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला ने मुझे करम किया कि मैं महकमा पुलिस के साथ। तो मेरे ख्याल से जब बचपन में खेलते होंगे चोर स्पाई तो आप लाजमी स्पाई बनते हैं। जी जी ऐसे। अच्छा सर, मेरा आपसे आखिरी क्वेश्चन होगा कि क्या मैसेज देंगे आप शेखुपुरा के अवाम को? एक बड़े खूबसूरत लोग, अच्छा शहर, जहांगीर ने तो इसे एक मोहब्बत की निशानी के तौर पर बनाया था, तो सर क्या मैसेज देंगे? हाँ जी, मैं शेखुपुरा के लोगों को ये मैसेज दूँगा कि यहाँ पर हमें अमन का क़याम के लिए हम सबको मिलजुल की कोशिश करनी चाहिए। जो अमन का क़याम है वो सिर्फ किसी एक महकमे, किसी फ़र्द की ज़िम्मेदारी नहीं है, बल्कि ये माशरे की इज्तमाही ज़िम्मेदारी है। और जो कौमें तरक्की कर गई हैं उनमें एक बुनियादी वजह ये है कि पूरी वो कौम जो है वो इस एक नुक्ते पर मुत्तफ़िक है कि हमने कानून की अमलदारी के लिए काम करना है और अमन का क़याम करना है। इसलिए लाजिम है कि मैं ख़ुद और हम में से हर एक शहर या ज़िले का रहायशी है वो ख़ुद कानून पर अमल करने वाला हो और अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करें, इस तरह तरबियत करें कि जिससे वो कानून पर अमल करने वाले हों, ताकि इससे जितना हम कानून पे अमल करेंगे इतना हमारा मुल्क मजबूत हो। बिल्कुल, आज का दिन अपने DPO शेखुपुरा गुलाम मुबशर मेकन साहब के साथ गुजारा। एक कॉमन पॉइंट जो उन्होंने बताया, जो एक हमारे कौम को ज़रूरत है कि कानून की अमलदारी पे हम सबको काम करने की ज़रूरत है। बहसियत कौम जब हम कानून की अमलदारी को यकीनी बनाएंगे तो हमारा माशरा बिल्कुल सेफ एंड साउंड बन जाएगा। सेफ रहें सेफ सिटी के साथ। मुझे उमर बख्त को इजाज़त दीजिए, फिर एक और जगह, एक नई जगह पुलिस लॉ के साथ ज़रूर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।